नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज एम टू इज इक्वल टू टू के जी एंड एम थ्री इज इक्वल टू थ्री के जी सवाल है वर्ड शुड बी द मास एम सो देट इट रिमेन्स ए रेस्ट तो इस केस में uh, इस पूरे सारी कहानी की कोई ज़रूरत है नहीं सो so, हमें ये कहा जा रहा है लेट मी रेज दिस पार्ट ये सब कुछ नहीं चाहिए इसमें ये भी नहीं चाहिए अलइट अब हमें कहा जा रहा है कि ये मास आपका जो हमें वन के जी दिया हुआ था ये वन के जी ना हो के ये मास कितना हो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को सच दैट कि ये आपका मास आपका रेस्ट पे रहे ठीक है सो अस से कि ये आपका एक्सलेशन ये आपका टू के जी है या आपका थ्री के जी है सो लेट से ये नीचे ए एक्सेलेशन से जा रहा है ये आपका ए से ऊपर जा रहा है हमें बताना है कि ये मास कितना होगा कि ये रेस्ट पे रहे इसका मतलब ये है कि इस मास की वजह से जो यहाँ पे टेंशन आएगी अब ये क्योंकि रेस्ट पे है तो एम वन के जब आप एफ बी डी बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं टू टी टू टी शुड बी इक्वल टू एम वन जी ठीक है बिकॉज या टू टी माइनस एम वन जी शुड बी इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू हो जाएगी ना और टी की वैल्यू क्योंकि अब आपका एटवुड मशीन है तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू लिख सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाई एम टू प्लस एम थ्री जी इज़ इक्वल टू एम वन जी या मैंने डायरेक्ट फॉमूला यूज़ कर लिया तो टेंशन जो इस रस्सी में आती है वो एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू डिड बाई एम वन प्लस एम टू जी ट्वाइस ये आपकी टी टी की वैल्यू होती है लाइक तो यहाँ से एम वन का वैल्यू बता नहीं है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा सो एम वन जो है दैट विल बी इक्वल टू फोर एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाय एम टू प्लस एम थ्री ठीक है ये आपका आंसर हो जाना चाहिए अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू दे रखी है सो so, वैल्यू डाल लेते हैं सो दिस विल बी फोर मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री तो ये हो गया एट ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव सो इसकी वैल्यू हो गई फोर पॉइंट एट किलोग्राम सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर फोर पॉइंट एट के जी